वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आर ओ ए आर ओ 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैं देख सकते हैं पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए 18 से 60 बन गया, 60 से 186 बने, 186 से 564 बने और 564 से 1698 बने, तो आपसे पूछ रहा है कि आगे क्या मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, अगर इसके पैटर्न को देखिए तो आपको पता चलेगा 18 गुणे 3 18 त्रिक 54 होते हैं, 54 में 6 जोड़ दिया गया तो 60 मिले। अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो 60 गुणे 3, 60 में 3 का गुणा करने पर 180 मिलेगा, प्लस 6 करने पर 186 मिलेगा, 186 में 3 से गुणा करा दीजिएगा, 186 में 3 से गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 500, देखिए 180 में 3 का गुणा कराने पर 540 और 18 कितना हो जाएगा, 500 आपका 58 हो जाएगा, 58 में 6 जोड़ेंगे तो 564 हो जाएगा। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो इस प्रकार हम लोग 1698 में 3 का गुणा कराएंगे, 1698 गुणे 3 और फिर प्लस 6, है ना, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप 1698 में 3 का जब गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 1648, है ना। इसके बाद 90 में 3 का गुणा कराएंगे, या फिर ऐसे देखिए टोटल अगर 100 होता तो 300 मिलता, अब 300 में से आपको 6 माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे 2-2 कम है, है ना। तो जब 6 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 294, 294 में जब आप 6 को जोड़ेंगे तो 300 जुड़ेगा, तो वापस से 300 जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा 5100। आप इसको किसी भी विधि से कैलकुलेट करिएगा, आपका फाइनल आंसर बनेगा 5100। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, दूसरा प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आपको ये बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर जेड ए 5 दिया है, वाई 4 बी दिया है, क्वेश्चन मार्क है, डब्ल्यू 3 डी दिया है, वी ई 7 यू 2 एफ दिया है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ पर एक विकल्प ये है ना, इसके बाद अल्टरनेट यहाँ पे खाली है, फिर अल्टरनेट देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसमें जो अंक है अंत में है और यहाँ पर भी अंक अंत में है, इसी प्रकार आप इसमें देखिए अंक बीच में है, अंक बीच में, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो क्वेश्चन मार्क देखेगा आपको उसमें जो अंक रहेगा वो हमेशा एक किनारे पर रहेगा। अगर अंक को किनारे पर रखेंगे तो विकल्प ए कैंसिल हो जाएगा और विकल्प डी कैंसिल हो जाएगा, और सॉरी विकल्प बी कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अंक किनारे पर होंगे। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर भरा क्या जाएगा। देखिए जेड के साथ ए रखा गया है ना, वाई के साथ बी रखा गया है, तो अगला जो पैटर्न आएगा एक्स के साथ सी रखा जाएगा, ये तो क्लियर हो गया कि एक्स के साथ सी रखा जाएगा, है ना। अब इसमें से 3 आएगा कि 6 आएगा, ये पैटर्न आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, जहाँ पर अंक बीच में है वो घटते हुए क्रम में चल रहे हैं। अब इधर देखिए जहाँ पर अंक किनारे में 5 है फिर आगे 7 है, मतलब 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आ जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, है ना। इसको एक बार फिर से पूरा समझ लीजिए क्या चल रहा है इसमें। देखिए यहां पर जेड ए लिखा गया, 5 लिखा गया, है ना, इसके बाद वाई 4 बी लिखा गया। देखिए अंक यहाँ पर बीच में, यहाँ पर बीच में और यहाँ पर बीच में, अब यहाँ पर अगर किनारे है तो यहाँ पर भी किनारे होगा और यहाँ पर भी किनारे होगा। देखिए यहाँ पर 5 है क्वेश्चन मार्क, फिर 7 है, तो 5 से एक आगे बढ़ेंगे 6 मिल जाएगा, तो इस तरीके से ये विकल्प सही बन गया विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर दिए, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। देखिए ए बी सी, ठीक है, अब यहाँ पर डी और ई नहीं दिया है, 2 का गैप है, फिर एफ जी एच, ठीक है, फिर आई जे नहीं दिया है, के एल एम, ठीक है, इसी प्रकार देखिए एन और ओ नहीं दिया है, पी क्यू आर, तो आप आगे बढ़ेंगे तो एस और टी, इसको आप नहीं लिखेंगे, है ना, इसके बाद आगे आप लिखेंगे यू वी और डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू जिस विकल्प में होगा सही होगा, यू वी डब्ल्यू विकल्प सी में, तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, यदि चाइना को किसी कूट भाषा में 3-8-9-5-1 के रूप में लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में हांगकांग का कोड क्या होगा। देखिए चाइना सी एच आई एन ए, चाइना का कोड क्या लिखा गया यहाँ पे समझिए, सी के लिए 3 लिखा गया, ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू है, एच की प्लेस वैल्यू 8 है, सही है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, यहाँ तक सही। देखिए एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, अब 14 ना लिख करके 5 लिखा गया, मतलब पता है क्या किया गया, 4 और 1 को जोड़ दिया गया, है ना, 5 आ गया, और लास्ट में क्या है, देखिए ए, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, तो आपको ये पैटर्न पता चल चुका है, जिसमें सिंगल डिजिट मिलेगा उसको डायरेक्ट लिखेंगे और जिसमें डबल डिजिट होगा उस डिजिट्स को आपस में जोड़ करके सिंगल डिजिट बना लेंगे। तो आप
आपसे पूछा जा रहा है कि हांगकांग का कोड क्या होगा, देखिए H की प्लेस वैल्यू है 8, है ना, तो 8 से सभी विकल्प है। फिर O की प्लेस वैल्यू है 15, तो 15 में 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा, है ना। इसके बाद N की प्लेस वैल्यू है 14, 14 में 4 और 1 5 हो जाएगा। G की प्लेस वैल्यू है 7, है ना। देखिए 86 57 पहला विकल्प कैंसिल हो गया, है ना। इसके बाद आपका विकल्प तीसरा कैंसिल हो गया, दो विकल्प अभी चल रहे। अब आगे देखिए K की बात करेंगे तो K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 2 मिलते ही आपका विकल्प B भी कैंसिल हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प D। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, नीचे दिए गए शब्द के दाहिनी ओर एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखा जाए तो प्राप्त दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया पैम्परिंग। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर ऐसा मिरर रख दिया जाएगा, तो मिरर रख दिया जाएगा तो कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए मिरर रखेंगे तो यहाँ पे मिरर इमेज बनेगा, ये जी ऐसे बन जाएगा, है ना, जी हो जाएगा, सब सही है, ठीक है। एन उल्टा बन जाएगा, एन ऐसे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए किन किन विकल्पों में एन सीधा दिख रहा है, पहले में एन सीधा दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा, दूसरे में एन सीधा दिख रहा है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो दो विकल्प यहाँ से हट चुके। आई पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आई सही रहेगा। आर इस प्रकार से बनेगा उल्टा, है ना। इसके बाद देखिए ई की बात करेंगे तो ई भी उल्टा बनेगा, अब पी की बात करेंगे तो पी भी उल्टा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एम सीधा बनेगा तो एम एम ही बनेगा, यहाँ पर एम को एम लिखा गया, यहाँ पर एम को डब्ल्यू लिखा गया, तो जहाँ पर एम को डब्ल्यू लिखा गया वो विकल्प गलत हो जाएगा, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में ये लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों में से किन दो चिन्हों तथा किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। देखिए यहाँ पर ये स्टेटस दिया, आपको बोल रहा है कि इसमें किसको मतलब प्रतिस्थापित करने पर सही हो जाएगा, तो इसमें आपको ना ऑप्शन मेथड से एलिमिनेशन करना, मतलब सॉरी ऑप्शन मेथड से हिट एंड ट्रायल लगाना है ना, आप हिट एंड ट्रायल लगाएंगे इसके बाद पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया गुणा और भाग को, और साथ में 12 और 6 को आप चेंज करेंगे, तो चेक कर लेते हैं। देखिए 18 जहां पर भाग है ना वहां पर गुणा कर लेंगे, गुणे 36, और जहां पर गुणा है वहां पर भाग कर लेंगे, भाग 6, इतना लिख लिया गया। अब देखो यहां पर 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 और 12 को भी चेंज करना है, तो यहां पर आप लिखेंगे 12, ठीक। इस प्रकार अब आगे बढ़ेंगे, माइनस देखिए यहाँ पर 12 है तो 12 के स्थान पर 6 लिखेंगे, प्लस 7 बराबर में 55 आना चाहिए। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जब इसको सेट करेंगे तो ये हल करने पर 3 मिलेगा, और 18 54 माइनस 6 और प्लस 7 54 में से देखिए यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो 1 मिलेगा, 54 और 1 55, है ना। अब इसमें पहली बार में ही सेट हो गया, है ना, विकल्प इसका सही हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। आपका कैलकुलेशन जितना तेज रहेगा आप उतनी आसानी से हिट एंड ट्रायल लगाकर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें पहली बार में सेट हो गया, हो भी सकता है पहली बार में नहीं भी हो सकता है, तो आपके पास 4 विकल्प होंगे, आप उसको एलिमिनेशन के साथ चेक करेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7 दिया है, विकल्पों में से अक्षरों का कौन सा समूह निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में के प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए बी डी एफ एच जे एल, है ना। यहाँ पे अब देखो आपको पता चल रहा है बी लिखा गया, फिर सी नहीं लिखा है, डी है, फिर ई नहीं है, एफ है, ठीक, जी नहीं है, एच है, आई नहीं है, जे है, मतलब एक छोड़कर एक है, है ना। तो एल है तो एल के बाद एम नहीं आएगा, एन आएगा, है ना। एन आते ही ना ये दो विकल्प कैंसिल हो गए। एन के बाद देखिए ओ नहीं आएगा, पी आएगा, और फिर क्यू नहीं आएगा, आर आएगा, तो एन पी आर विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या दिया, एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत कहती है, वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी की का इकलौता पुत्र है। आदमी का औरत से संबंध बताइए। देखिए एक आदमी को इशारा कर रही है ना, और महिला क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि वह आदमी, ठीक है, मतलब जो आदमी है, मतलब ये महिला बोल रही है कि जो आदमी है ना, मेरे पति, मतलब महिला की, महिला के पति हो गए, है ना, पति के पिता, है ना, इसके पिता की पत्नी, है ना, की पत्नी हो गई का इकलौता पुत्र है। देखिए आप समझिए, यहाँ पे आप पैटर्न समझिए। देखिए ये महिला है, ये इसका पति है ना, इसका पिता हो गया, इसकी पत्नी मतलब इसका इकलौता पुत्र है, तो जब इकलौता है तो फिर और कोई होगा, नहीं होगा, आदमी का औरत के साथ संबंध बताइए, तो आदमी क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, विकल्प ए। यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश में हस्बैंड और हिंदी में पति। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। देखिए नवा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, नवा प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में दो चिन्हों तथा किन दो संख्याओं को एक दूसरे के प्रतिस्थापन किया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है ना, आपने अभी जस्ट पीछे एक प्रश्न देखा है, इसी तरीके से हमने मतलब इसको कैलकुलेट किया, तो हिट एंड ट्रायल लगा ना, तो आप भी हिट एंड ट्रायल लगा करके ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर क्या दिया,
उस चित्र का चयन करें जो तीसरे चित्र में ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले चित्र से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया है और यहाँ पर एक आपको स्क्वायर दिया है ना। देखिए ट्रायंगल यहाँ ऊपर था, ट्रायंगल ऊपर भी चला गया और नीचे भी चला गया, ठीक। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए ट्रायंगल था है ना, ट्रायंगल ऊपर भी था तो यहाँ पर ट्रायंगल ऊपर भी और ट्रायंगल नीचे भी। तो हम लोग ना ऑप्शन में पहले ऐसे विकल्प को देखते हैं जिसमें ऊपर भी ऐसे आपको ये एक तरीके से रेक्टेंगल दिखे और मतलब चतुर्भुज दिखे और यहाँ पर भी दिखे। तो देखिए अगर आप विकल्प में देखेंगे तो पहले विकल्प में है, ठीक है, तो ये आंसर बन सकते हैं। दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है और चौथे में भी नहीं, तो आपको एक ही पॉइंट से आंसर मिल गया, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10 के बाद 11। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ना। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए जा रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं बताइए कि कौन से कथन से उत्तर दिया जाएगा। प्रश्न है दीपक रीना से कैसे संबंधित है, मतलब दीपक रीना से कैसे संबंधित है प्रश्न। अब बताइए किन किन कथन का यूज करेंगे कि पता चल जाएगा दीपक और रीना का संबंध क्या। देखिए दीपक कौन है, रवि का भाई है। दीपक जो है भाई है, किसका भाई है, रवि का, ठीक। यहाँ पर रवि के लिए को मैं पूरा लिख लेता हूँ है ना। रीना अतुल की बहन है, इन्फॉर्मेशन अलग है तो लिख लेते हैं, जो रीना है ये अतुल की बहन है, ठीक। आगे बोला जा रहा है रवि जो है रीना का बेटा है, जो रवि है ना, रवि है ना, ये क्या है, ये रीना का बेटा है ना, RINA, ये रीना का बेटा है ना। अब इसके बाद समझिएगा, जो रीना है ये क्या है, अतुल की बहन है ना, यहाँ पर अतुल की बहन है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, दीपक रीना से कैसे संबंधित। देखिए दीपक और रीना, अब रुकिए यहाँ पर दीपक और रीना का रिलेशन आप देखेंगे ना, देखिए ये दीपक जो है इसका लड़का हो जाएगा है ना। अब ये चीज़ समझिएगा, आपको कैसे पता चला, जब आपने तीनों इन्फॉर्मेशन को फिट किया है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छा देखिए, जो रीना अतुल की बहन है ना, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को स्किप भी कर देते, इसका यूज़ नहीं करते, आप डायरेक्ट देखते कि दीपक रवि का भाई है, ठीक है। देखिए दीपक जो है ये रवि का भाई है, ठीक है, ये भाई हो जाएगा रवि का, और जो रवि है रीना का बेटा है, जो रवि है ना ये रीना का बेटा है। तो दो इन्फॉर्मेशन को आप सेट करते हैं ना तो भी आपको उत्तर मिल जाता है, तो कथन इसमें बी सही हो जाएगा, एक और दो, सॉरी एक और तीन है ना, माफ कीजिएगा, एक और तीन है ना, एक और तीन, पहले और तीसरे इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके आप उत्तर बता सकते हैं ना। भले इन तीनों का प्रयोग कराया गया, मतलब तीनों से पूरा आपका फैमिली ट्री बन जाएगा, लेकिन उत्तर देने के लिए पहला और तीसरा ही पर्याप्त है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 12। 12 में क्या बोला गया कि समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को तीन वर्गों में समूहित करें है ना। अब समरूप गुण देखना है तो चलिए समरूप गुण देखते हैं। देखिए इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए इसमें सर्कल बने, इसमें भी सर्कल बने और इसमें भी सर्कल बना है, तो तीन आकृति में देखिए 3, 6 और 9 है ना, 3, 6 और 9 एक तरफ हो जाएंगे क्योंकि इसमें सर्कल बने है ना, इनमें समरूपता है ना। आगे देखिए 2 इसमें आपका वर्ग बने, 4 में वर्ग बने और आगे बढ़ेंगे तो 8 में वर्ग बने, तो 2, 4, 8। अब इसके बाद जो एक विकल्प बचेगा 1, 5 और कौन बच रहा है, 7 है ना। तो यहाँ पर अब तीन विकल्प अलग हो गए, देखिए 1, 5, 7 है ना। अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये आधा है ना, तो इसमें 7 को रखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 7 रहेगा, 7 है ना, 7 रहेगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 1, 5, 9 किसमें है, देखिए 1, 5, 9 यहाँ, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दोनों ऑप्शन में भी फाइट कर रहे हैं ना। 2, 4, 8 यहाँ पर आया तो विकल्प बी सही हो जाएगा, डी इलिमिनेट हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर। ये प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। सम्राट का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह सबसे पहले सीध में 20 किमी जाता है। देखिए यहाँ पे सम्राट जो है नॉर्थ देख रहे हैं, यहाँ से क्या होता है 20 किमी जाता है, तो 20 किमी इसको आगे बढ़ा देते हैं है ना। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 किमी दाएं मुड़ा, फिर से 20 किमी चला। इसके बाद क्या होता है, फिर देखिए उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व मतलब इधर मुड़ा और ये 10 किमी जाता है। फिर इसके बाद वहाँ से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ेगा और 20 किमी आएगा, 20 किमी चलते हैं और पुनः अपने बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ेगा है ना, मुड़ने के बाद कितना जा रहा है, 20 किमी फिर से जा रहा है ना, 20 किमी फिर से जा रहा है। इस समय राजू का मुख किस दिशा में है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब सम्राट की बात है, सम्राट रहेगा, सम्राट का मुख किस दिशा में, देखिए सम्राट इधर देख रहा है ना, इधर देखने का मतलब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्व, विकल्प सी। चलिए अब आते हैं अक्षर संख्या 14। यह दिए गए वेन आरेख में कौन सा अक्षर ऐसे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो नायक है मगर गायक नहीं है। देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम दिया गया है ना, यहाँ पर जो पहला डायग्राम ये इंडियंस को दिखा रहा है, दूसरा डायग्राम किसको दिखा रहा है, ये हीरोज को दिखा रहा है मतलब जो नायक है, और तीसरा सिंगर्स को दिखा रहा है मतलब गायक को। आपसे पूछा जा रहा है ना कि कौन से ऐसे इंडियन है, देखिए
ये पूरा का पूरा दायरा इंडियन का है, लेकिन आपको पूरा इंडियन नहीं देखना है, ऐसे इंडियन को देखना है जो नायक मतलब हीरो हैं लेकिन गायक नहीं। देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये पूरा इंडियन है ना, ये तो गायक गायक में आ गया, ये भी गायक में आ गया है ना। अब ये दोनों गायक में आ गया तो नहीं लेना है, अब इस ऐसे इंडियंस को लेना है जो हीरो भी हैं और मतलब हीरो हैं खाली। तो देखिए यहाँ पर ये जो बी है ये हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियों को नीचे दिखाया गया, यहाँ पर तीन ही है ना, दिए गए चित्र में छह के विपरीत क्या होगा। देखिए जब कभी भी डाइस का क्वेश्चन होता है तो बड़े आराम से आप सेट कर सकते हैं, कॉमन टर्म को उठाएंगे, यहाँ पर छह कॉमन दिख रहे हैं, इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे। देखिए छह एक चार, फिर यहाँ पर देखिए छह पाँच और दो, चार के विपरीत है दो, पाँच के विपरीत है एक, तो बचा छह, छह के विपरीत कौन हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 में क्या दिया है कि एक दो तीन और चार के रूप में दर्शाए गए चार चित्र नीचे दिए गए, दिए गए चार चित्रों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, विषम चित्र का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा विषम है आपको देखना है। देखिए इसमें ये एरो ऊपर की ओर है, यहाँ पर नीचे की ओर है, ठीक है। इसमें देखिए ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, मतलब अपोजिट है जस्ट। ये देखिए ट्रायंगल ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नीचे की ओर और इसमें भी नीचे की ओर है, तो जो विकल्प चार होगा मतलब इसमें ये वाला डायग्राम विकल्प चार क्या हो जाएगा, तीनों से अलग हो जाएगा, विकल्प डी है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 दिया है, यदि आपको रास्ते में खोया हुआ बच्चा मिलता है तो इस स्थिति में आपका सबसे उचित कदम क्या होगा। देखिए भाई आपको रास्ते में बच्चा मिल गया, आप क्या करेंगे, आप उस बच्चे को अनाथ आश्रम में भिजवा देंगे, ये कोई कर्तव्य नहीं है विशेष है ना। अनाथ आश्रम में तो एकदम लास्ट में जब कोई मतलब कुछ भी नहीं होगा है ना, मतलब आप भी रखने में सक्षम नहीं है या फिर कोई भी मतलब ऐसे भी समझिए ये गलत फैक्ट है, कुल मिला जुला ये गलत है ना, उसको अनाथ आश्रम में नहीं भेज दें, आसपास वाले लोगों को सूचित करेंगे, ये भी आपका कर्तव्य नहीं। आप उस बच्चे के माता पिता को खोजने में उस बच्चे की मदद करेंगे तो सबसे उचित कदम यही होगा, आप क्या करेंगे, आप उसकी हेल्प करेंगे कि उसके माता पिता उसको मिल जाए है ना। चलिए अनदेखा करना ये तो एकदम नहीं, आप अधिकारी हैं या फिर अधिकारी नहीं भी हैं, देश के नागरिक हैं है ना, मानवता के नाते आपको ये काम नहीं करना है। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 18 पर है ना। 18 नंबर का प्रश्न दिया, प्रस्तुत प्रश्न में एक कथन के बाद दो पूर्व धारणाएं दी गई है, आपको तय करना है कि कौन सी धारणा इस कथन में निहित है ना। मैं आपको क्रॉसिंग से फोन नहीं मिला सकता हूँ, अब कौन सा धारणा, देखिए टेलीफोन सुविधा क्रॉसिंग के पास उपलब्ध नहीं है, हो सकते है ना, यदि इन दिनों फोन पर बात करना बहुत मुश्किल है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए क्रॉसिंग की बात है ना, क्रॉसिंग पे हो सकता है जाम हो है ना, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो तो शोर शराबा हो रहा होगा है ना, और क्रॉसिंग पर हो सकता है सुविधा भी ना हो, तो यहाँ पे दोनों धारणाएं नहीं हो सकती है, विकल्प सी है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, आपको दो धारणा दिया गया और आपको एक को चयनित करना। देखिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सलाह लेता है, सलाह देता है, जम्मू जाने के लिए सबसे छोटा मार्ग अमृतसर से होकर जाता है, अब इसमें कौन सा धारणा। देखिए दूसरा व्यक्ति जम्मू जाना चाहता है, ठीक है भाई, क्योंकि दूसरे को सलाह दे रहा है, सही बात है। पहला व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को सलाह देता है, ये तो कोई है नहीं ना, मतलब ऐसे सबको सलाह देगा ये नहीं चलेगा, तो इसमें धारणा एक निहित है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 20, यहाँ पर दिया है किसी कुड भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है तो अफ्रीका को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न आपको कमेंट करना है इसका उत्तर क्या बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं, 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ए बी की बहन है, देखिए ए जो है ये बहन है, किसकी बहन है, बी की, बी सी की पुत्री है, तो बी जो है पुत्री है, किसकी पुत्री है, सी की, जो है आगे बोला जा रहा है, कहाँ छूट रहा है, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, जो ई है ना ये पिता है, किसका पिता है, डी का पिता है, यहाँ पे हमने साइड में बना लिया, डी ए का भाई है, देखिए डी जब ए का भाई हो जाएगा है ना, डी जो है ए का भाई हो जाएगा और ई इसका पिता हो जाएगा तो सी माता हो जाएगी और ई क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, तो ई का सी से क्या संबंध है, देखिए ई जो है सी के लिए क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, विकल्प बी है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 22, यहाँ पर दिया है कि मस्टर्ड को क्या लिखा जाता है, ये शब्दों में लिखा जाए मतलब कुछ गिनती लिखा जाता है, तो इसी प्रकार रीजन को क्या लिखा जाएगा, एम की प्लेस वैल्यू है 13, यू की प्लेस वैल्यू है 21 है ना, एस की प्लेस वैल्यू 19, टी की प्लेस वैल्यू 20, सबकी प्लेस वैल्यू लिखा गया, तो आर की प्लेस वैल्यू 18, ई की प्लेस वैल्यू 5 है ना, ए की प्लेस वैल्यू 1 है ना, एस की प्लेस वैल्यू 19, ओ का 15 और एन का 14, ये विकल्प है, देख लीजिएगा 18, 51, 19, 15, 14, 18, 51, यहाँ पे 18, 51, 11 दिया गया नहीं होगा है ना, इसके बाद देखिए 18, 51 है ना, 11 नहीं होगा, 18, 51, 19, 51 ये भी नहीं होगा, तो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 23 में दिया है ना कि
यम प्लस एन का अर्थ है एम एन का पिता है ना। देखिए जब कभी भी आपको कोडेड ब्लड रिलेशन देखे तो आपको जेंडर और जनरेशन गैप इस पैटर्न को सबसे पहले देखना है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है टी का डी से क्या संबंध है ना, आपको ना सीधा सीधा मतलब इस पर आना है, प्रश्न पर आना है टी का डी से क्या संबंध है ना। टी का संबंध पूछा तो टी का जेंडर चाहिए। देखिए यहाँ पे टी के सामने भाग लगा है, देखिए एम भाग एन का अर्थ है मतलब इसमें देखेंगे तो एम्मा हो जाएगी, मतलब टी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी है ना। अब टी का संबंध निकालना है किससे, डी से, तो टी फीमेल हो जाएगी। इसका मतलब समझिए टी जब फीमेल है ना तो या तो माँ बनेगी या तो बहन बनेगी, क्योंकि फीमेल कभी पिता और भाई नहीं बन सकता। अब जनरेशन गैप देखते हैं, अगर जीरो जनरेशन का गैप होगा तो बहन बनेगी और एक जनरेशन का गैप होगा तो माँ बनेगी। देखिए भाग का अर्थ है यहाँ पे एक जन ये मिल गया एक जनरेशन, और माइनस का अर्थ है जीरो जनरेशन है ना, तो यहाँ पे एक जनरेशन का फर्क है, तो विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा माँ। चल अगला प्रश्न है कि किसी कोड भाषा में विमेन को ऐसे लिखा जाता है तो सुपर को क्या लिखा जाएगा, निकाल लीजिएगा है ना। प्रश्न संख्या 25 है ना, यहाँ पर आपके सामने क्या देखिए 25 में क्या क्वेश्चन दिया गया, ये आपका सिलॉक्स का एक प्रश्न है ना। सभी सांप अजगर है, मैं इसको इंग्लिश वर्जन से बनाता हूँ, लिखने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए ऑल स्नेक्स, जितने के जितने स्नेक्स हैं सब क्या है, सब पाइथन है ना। आगे बोला जा रहा है सम पाइथन्स आर डियर, सम पाइथन्स क्या है, डियर है ना। ऑल डियर्स आर, यहाँ पे क्या दिया, पैरेट दिया, तो ऑल डियर्स आर पैरेट, पी आर लिखते हैं इसके लिए है ना। सम पैरेट्स आर काउज, सम पैरेट्स आर काउज। अब यहाँ पे देखिए कॉन्क्लूजन क्या दिया, सम काउज आर स्नेक, काउ और स्नेक का कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो जाएगा। सम पैरेट्स आर पाइथन, पैरेट और पाइथन का देखिए यहाँ पे देखिए ये पैरेट जो है ना ये पाइथन के दायरे में आ रहा है ना, तो ये सही हो जाएगा। सम पैरेट्स आर स्नेक, देखिए सम पैरेट और स्नेक, पैरेट स्नेक का कोई रिलेशन नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली वन फॉलोज, विकल्प ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तो आज देखिए आज का ये हम लोगों का पहला आर ओ ए आर ओ का प्रैक्टिस सेट रहा जो कि पी वाई क्यूज पर आधारित है ना। तो आप अगर इस प्रकार के वीडियोज को लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ